हाँ तो महाराज जी, चित्रकूट में आप कब से हैं? हाँ 15-16 साल हो गए, 16वें साल चल रहे हैं जी। और गुफा में रहे, चित्रकूट में पहले आए तो सबसे पहले हनुमान धारा में थे जी। जी 3 साल हनुमान धारा में, 5 साल गोदावरी में और 5 साल टाठी घाट में। अच्छा, और महाराज जी यानी आपका निवास स्थान क्या है? हमारा रीवा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा अच्छा जी। तो आपके परिवार में भाई बहन मम्मी पापा सब? हाँ जी जी, माता पिता सब परिवार हैं और बस हनुमान जी का कीर्तन करते करते हनुमान जी यहाँ तक खींच रहे हैं, भगवान का भजन ज़्यादा करते थे। तो महाराज जी आपको संन्यास लिए कितने साल हो गए? हमें संन्यास ये 17-18 साल हो गए जी। जी सब हनुमान जी का कृपा, हनुमान जी का कृपा है, हनुमान जी ने चाह रहे हैं जी। और हनुमान जी के उपासक हैं हम भी, पहले आपके भगवान का ड्यूटी जाते थे लेकिन ड्यूटी छोड़ के प्रभु चरणों में आ गए। तो महाराज जी जैसे संन्यास से पहले आप क्या करते थे? ड्यूटी करते थे। कहे कि हम प्रोफेसर थे जी। जी हाँ, कॉलेज में पहले हेडमास्टर थे, हेडमास्टर से प्रोफेसर थे, अब प्रोफेसर छोड़ करके अब बस सबसे बड़ा प्रोफेसर हनुमान जी का कीर्तन है। अभी लाइन मिल गई है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो महाराज जी गृहस्थ जीवन से और संन्यास जीवन में क्या कुछ है? हाँ जी जी, बता रहे हैं आपको। गृहस्थ में रह करके भगवान का भजन करें तो आनंद ही आनंद है, पति पत्नी दोनों। अब पत्नी भजन न करें, पति भजन करें तो ग्रह लग जाता है। हर पत्नी पत्नी भी चाहिए भजन करें, स्वल्पाहार प्रसाद पाएं। अब पत्नी इधर भागे, पति उधर भागे, भजन न करें, बस पैसा पैसा समेटें तो भी इसमें पाप लगता है। गृहस्थ में रह करके भगवान का नाम 2 घंटा सुबह, 2 घंटे शाम, 24 घंटे में 4 घंटे, 20 घंटे अपना काम करें तो सबसे बड़ा आश्रम है। और संन्यास है जो लेकर के भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, दारू शीशी मदिरा मांस लड़ाई झगड़ा उल्टा सीधा करते हैं, तुमको संन्यास बनने से कोई फायदा न घर का न घाट के। इसलिए भगवान का भजन करें तो मस्ती में रहें, मस्ती में डूबें, वही सबसे बड़ा संत है। तो महाराज जी देखिए फलाहार हैं महाराज जी, और फल ही खाते हैं। और महाराज जी अनाज तो खाते नहीं हैं? नहीं नहीं, अनाज नहीं खाते, फल भी नहीं पाते, थोड़ा सा 2-4 आलू ले लेते हैं और गंगा जल मिला के ही पाद हमारा प्रसाद है जी। और डेली 5 परिक्रमा? हाँ हो गए 5, 7, 9 जो हनुमान जी करा दें जी। तो आप इस समय निवास स्थान कहाँ पे है? जानकी कुंड में है। जैसे आपके भक्त जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं जी और पूछते हैं कि महाराज जी कहाँ रहते हैं, हमें मिलना चाहते हैं, तो जानकी कुंड में रहते हैं। अब यहाँ आने वाले हैं, ठाकुर जी की कृपा हो तो बराह मंदिर सोचे यहाँ अगर आ जाए मिल जाए जगह, व्यवस्था बना रहे हैं जी। जी तो यहाँ से ठीक है, अपना यहीं रहेंगे तो अपना परिक्रमा लगाते रहेंगे और जब कभी होगा तो आपका भी आशीर्वाद, आप आशीर्वाद तो आप पा रहे हैं जी, आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं चैनल में। हमारे आप दोनों भाई को जो है मंगल हो, खूब आगे बढ़ें। अब आपके माध्यम से ही अगर आप हमें आगे बढ़ाएं तो हम भी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं आपको भी हनुमान जी दर्शन कराएंगे जी महाराज। हाँ हमें कुछ ना चाहिए, बस हमें हनुमान जी उपासक हैं जी। और बड़ा अच्छा लगा, आप इतना समय दिए बताइए, आप समय अमूल था, फिर भी आप समय बताइए निकाल करके आप दौड़े, भगवान आपको खूब भक्ति दें। तो महाराज जी ठंडे में भी आप एक धोती में रहते, चाहे ठंडी चाहे गर्मी, तो देखो पसीना भी आ गया, अब कहीं रास्ते में प्यास लगी थोड़ा सा पानी ले लेते हैं अपना नित्य करते हुए, यही हमारा यानी ठंडी गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, अभी शाम को भी जाएंगे तो 11 बजे रात 12 बजे रात स्नान करते हैं, 100 बाल्टी नहाएंगे, पंप चला के नहाते हैं जी, और फिर लंगोटी लगा के तपस्या करेंगे और उदे कपड़े में रहते हैं जी। तो महाराज जी सुबह आप जैसे सुबह दिनचर्या क्या रहती है आपकी? सुबह 4 बजे उठते हैं और अपना झाड़ू पोछा किए, गैस साफ हो किए, फिर अपना फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद ठाकुर जी की सेवा में लग गए स्नान करने के बाद, और इसके बाद फिर 11 बजे पुनः थोड़ा सा उठे, अब विराम किए, अपन थोड़ा सा अपन सेवा किए, सेवा करके फिर अपना चल देते हैं परिक्रमा में, तो 11, 12, 11:30, 11:30 लग समथिंग बच जाती है आने जाने में। अब ठंडी का महीना है और लेकिन परिक्रमा चलती रहती है पूरा दिन पूरी रात जो है। तो महाराज जी की अगर कोई सेवा करना चाहे तो महाराज जी की सेवा कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप भक्तों से बोल सकते हैं? जी जी बिल्कुल, बस सेवा यही, कीर्तन भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद है और हमें छिप के भी कठोर तपस्या करनी है, अभी आगे बढ़ना है, बस एक ही लक्ष्य, यहाँ के रसोदास महाराज जी हैं, बस वहीं तक हमें पहुँचना हमारा लक्ष्य है जी, वहीं तक हमें हनुमान जी पहुँचाएं। हाँ जी जी, ठीक है महाराज जी, धन्यवाद आपका। Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Guru 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 Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Guru
अब यहीं पे नाच कूद जाए भरे डेली भोजन बांटते हैं महाराज जी डेली बांटते हैं डेली कृपा जाए जैसी अच्छा अच्छा साल भर में एक बार अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं बंदरों के लिए श्री राम जय राम जय जय राम जय सियाराम जय सियाराम ओ श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम प्रभु जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम जय सिया राम प्रभु जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय
जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम बोलो, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, ओ श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम। जी महाराज जी, आप अपना परिचय थोड़ी दीजिए। मैं अमित कुमार तिवारी, बराह हनुमान जी से, कामतगिरी परिक्रमा क्षेत्र, पुजारी। तो महाराज जी के बारे में थोड़ी बताइए, डेली सुने हैं कि डेली 5 परिक्रमा लगाते हैं। हाँ, महाराज जी जो है 5 परिक्रमा लगाते हैं और ज्यादा भी हो जाती है। अच्छा, का अवलोकन नहीं है क्योंकि 5 रहे, ज्यादा भी हो जाती है। और पूरे परिक्रमा में श्री राम जय राम का जो है नारा और नाचना जो है उनका जो है भगवान के उसमें जो है मग्न होकर जो है घूम जाते हैं। इतने राउंड घूम जाते हैं कि उनको खुद नहीं पता रहता, आदमी देखने वाले को चक्कर आ जाता है कि महाराज जी ऐसा कितने राउंड इतना बार कैसे घूम लेते हैं। महाराज जी जो है काफ़ी बढ़िया है, सरल स्वभाव से, नित्य जो है 5-6-7 जैसे भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान के कारण ही लगे रहते हैं। डेली ठंडी गर्मी डेली आती है? हाँ, बराबर बराबर, कोई ठंडी गर्मी नहीं, इतना ही देश है, गर्मी में तो और उतर जाता है, बस थोड़ा सा चला ऊपर हो गया है, इससे ज़्यादा भेद भी नहीं है। कोई गर्म बनियानी पहनते हो या कपड़े पहनते हो, केवल पैर में जो है मोजा इसलिए पहन लिए हैं कि 5-5-6-6 परिक्रमा लगाने से बीमारियाँ फट गई हैं, दर्द के कारण मोजे हैं लगते हैं बांधे रहते हैं अंदर, ऊपर से मोजा पहने रहते हैं। तो महाराज जी आप यहाँ पे कब से हैं? मैं काफ़ी समय से हूँ, जन्म स्थल भी हमारा यही है, हमारे पूज्य पिताजी भी यही पुजारी पद में हैं और 88 से सेवा चल रही है और हम बाल ही अवस्था से जो है यहाँ हनुमान जी महाराज जी की सेवा कर रहे हैं। संतान में हनुमान जी से यात्रा से कि हम आना चालू कर दिए थे, पूजा पाठ हनुमान जी महाराज जी का जानकारी न्यूज हो सकता है। हाँ, तो महाराज जी आपको धन्यवाद अपने आचार्य जी तिवारी जी को, भगवान को भक्ति दें और परिचय दिए और हनुमान जी खूब इनको भक्ति दें। संसार में ये जिनको भक्ति मिल गई सब कुछ मिल गया। अब बचपन से ही बताइए, आजकल जाते तो पढ़ लिख कर कोई सर्विस करते अधिकारी होते, लेकिन आप प्रभु चरणों में आए। इनके पूरे संतान जो है, हमें ऐसा लग रहा है कि इनके बाबा परपादा जो हैं सब पूजा पाठ में थे, पूजा पाठ कर रहे हैं। संत बहुत आते हैं, लेकिन हो गया, हमें अब इनको बार बार धन्यवाद, इनको सम्मान भी है कि अब हमारे मुन्नी भाई आगे बढ़ें और ठाकुर जी कृपा है। सोच रहे थे कि यहाँ कुछ दिन में व्यवस्था बना के ही तपस्या चलेगी और हनुमान जी कृपा है, बस कीर्तन कथा हमारा प्राण है, कथा नृत्य करते हैं। आइए 2 मिनट पूर्ण कीर्तन नाचें और अपने हनुमान जी को बार बार धन्यवाद दें, मुन्नी भाई को भी बार बार धन्यवाद, 2 मिनट कीर्तन करके और कर लें, पहले सुख हनुमान जी को प्रणाम कर लें। जी जी जी, जी जी तो एक बार सब दे।
चंदन जय हनुमान जी। जब भी देखते हैं, जब नाचे गाते जाते रहते हैं, अच्छा डेली गुरु जी नाचते गाते जाते रहते हैं, रोज पांच परिक्रमा लगाते हैं। हो जाए, तो आप लोग कब से देख रहे हैं? सात आठ परिक्रमा लगाते हैं, इसी तरह का हरि नाम का कीर्तन करते हैं महाराज। अच्छा डेली आप देखते हैं? डेली का नियम है ये, करीबन 10 बजे रात।